60 से 70 रुपए प्रति किलो भाव चल रहा था, जबकि इस बार वही भाव घटकर अब 30 से 35 रुपए किलो तक आ गया है। सीजन की अभी शुरुआत ही है, आगामी दिनों में जोर पकड़ने पर दामों में और गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि गत वर्ष अच्छे भाव मिलने से इस बार रकबा बढ़कर करीब 2 गुना हो गया है। हरियाणा के पानीपत में बड़े स्तर पर लहसुन की खेती की जा रही है। एक किसान कई कई एकड़ में लहसुन की फसल की बुआई कर रहा है। रुझान इतना है कि भूमिहीन किसान भी ठेके पर लेकर लहसुन उगा रहे हैं। ऐसे किसानों की संख्या कम नहीं है जिन्होंने गन्ने के साथ लहसुन उगाई हुई है। 2 वर्ष पूर्व 100 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर चुका था लहसुन। बेचने के लिए दूर दराज की मंडियों में भी खाक छानने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वहीं इस वर्ष हालात विपरीत हो गए हैं, रेट औंधे मुंह गिरे और खरीदार भी नहीं मिल रहे। लोकल मंडियों में लहसुन की डिमांड कम होने के कारण क्षेत्र के किसान दिल्ली, देहरादून व चंडीगढ़ जैसे शहरों में बेचने के लिए जाते हैं। इसके कारण खर्च भी बढ़ जाता है और समय पर वह फसल को बेच भी नहीं पाते। लहसुन के दामों में गिरावट से किसानों को इस बार काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस बार लागत भी अधिक आई है। अब आगे नवरात्र शुरू हो जाएंगे तो लहसुन और प्याज की खपत कम हो जाएगी, जिससे आगे कीमतों में अभी और गिरावट आएगी। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।